आज हमारा देश तथा संपूर्ण विश्व एक अप्रत्याशित संकट के साथ संघर्ष कर रहा है। कोरोना नाम की बीमारी से सभी लोग लड़ रहे हैं। कल और कुछ दिन पूर्व भी हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है। उसमें उन्होंने समस्त देशवासियों से यह अपील की है, इस लड़ाई को सारा देश मिलकर एकजुट होकर लड़े, हम शीघ्र ही इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। हमको ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर हमारी कॉलोनी के निकट, हमारे मोहल्लों में या मोहल्लों के निकट बहुत सारे मजदूर लोग होंगे। वे प्रतिदिन मजदूरी करके कमाते हैं और अपना भोजन आदि की व्यवस्था करते हैं। उनके ऊपर एक विशेष कठिनाई आई है। हम लोग किसी भी प्रकार से उनके खाद्य सामग्री की चिंता करें। हम लोग यह भी देखें कि हमारे मोहल्ले या कॉलोनी के निकट बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी हैं जो बाहर से आकर के अध्ययन के लिए रह रहे थे। वे भोजन करने के लिए होटल आदि में जाते थे। वे अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यह हमको चिंता करनी होगी। हमारे कॉलोनी आदि में या स्थानों पर कुछ बुजुर्ग लोग भी होंगे जिनके बच्चे आदि कहीं बाहर हैं। उन बुजुर्ग लोगों की चिंता भी हमको करनी होगी। किसी न किसी व्यवस्था से हम उनकी जानकारी रखें, उनको औषधि अथवा भोजन आदि की व्यवस्था हमको करनी होगी। हम निकट के पुलिस और प्रशासन के लोगों के साथ एक संपर्क रखें। कोई भी किसी प्रकार की आवश्यकता होती है तो हम उनके साथ खड़े हो। हमको यह भी देखना है कि भारत में नॉर्थ ईस्ट नाम का जो आसाम का क्षेत्र है, वहाँ के कई प्रांतों के विद्यार्थी तथा अन्य लोग दिल्ली के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहते हैं। ये बहुत दूर से आए हैं, आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम तथा सिक्किम। इन क्षेत्रों के विद्यार्थी तथा कर्मचारी लोग दिल्ली में रहते हैं। वे अपने घरों से बहुत दूर है। उनको किसी प्रकार की चिंता न हो, उनको किसी प्रकार का कष्ट न हो, यह हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। हम इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखें। किसी भी प्रकार की अफवाह को न फैलने दें। कोई समस्या, कठिनाई हमको ध्यान में आती है तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। हम प्रशासन की सहायता के लिए हर समय कमर कसकर खड़े रहें। सारा देश इस संपूर्ण समस्या के साथ एकजुट होकर लड़ रहा है। हम देखेंगे हमारा देश किस प्रकार से एकजुट होकर इस समस्या को सफलता के साथ पूर्ण करके आगे आएगा। नमस्कार।